Good evening, friends. May I request again for the videos on, please, all of you. If I can see you, it'll be great. चलिए आज की जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है हम। 9 बज गए हैं, बाकी के दोस्त जब तक जुड़े हम प्रेयर्स करते हैं। दोनों हाथ जोड़े, हो सके तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़े, बगल से खोल दे, दोनों हथेलियों को एक समान इस तरह से रखे, अपने अंगूठों को अलग करे और अपने हार्ट चक्र से जोड़े, अपने हृदय से जोड़े, मेरुदंड सीधा रखे, गर्दन सीधी रखे, आंखों को कोमलता से बंद कर दे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्छायाणम, नमो लोए सव साहुणम, एसो पंचन मुकारो सव पाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वे सिंपणम भवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, एसो पंचन मुकारो सव पाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वे सिंपणम भवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, एसो पंचन मुकारो सव पाव पणासनो, मंगलाणम च सव्वे सिंपणम भवै मंगलम। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन 5 परमेष्ठी परमात्मा की ऊर्जाओं का, उनकी एनर्जीज का, उनके आशीर्वाद का आवाहन करते हैं। महाविदेह क्षेत्र में विराजमान 20 विहरमान तीर्थंकर परमात्माओं की आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। श्री सिमंधर स्वामी, जिनके कण कण से हर पल हर क्षण हर जीव के प्रति करुणा वात्सल्य और प्रेम की भावना बहती है, हर जीव के लिए अभय दयानंद के आशीर्वाद बरसते हैं, ऐसे विचरते श्री सिमंधर स्वामी की ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं। संकल्प करते हैं कि हम शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए ये ध्यान प्रयोग कर रहे हैं। इस सुसंकल्प के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोले। मैं मनीषा आप सबका इस भाव धर्म नो मोड़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। हालांकि इस बार का हमारा टॉपिक है सव पाव पणासन। सव पाव पणासन यानी हर पापों से अब हम लौटे, वापस लौटे, हर पापों की निर्जरा करे, हर पाप से मुक्त हो। और इसके लिए हम काम कर रहे हैं 18 पाप स्थानक पर। कल हमने थोड़ी बातें की थी कि हम किस तरह से जीव से मोक्ष तक की यात्रा नव तत्व द्वारा कर सकते हैं, और कुछ जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पे बात की थी। कुछ नए साथी जुड़े हैं आज हमारे साथ साथ, तो थोड़ी सी रूपरेखा जो हमने कल किया था उसकी एक रिकैप लेते हैं। कल हमने बातें की थी कि जैन धर्म इज नॉट ऑल अबाउट ईटिंग, टू ईट दिस एंड नॉट टू ईट दिस। जैन धर्म इज नॉट ऑल अबाउट ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट तपश्चर्या एंड त्याग। जैन धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इट शोज द पाथ to a soul to achieve and realize his highest good, the highest version.
आज की टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो आर यू योर बेस्ट वर्जन? आस्क योरसेल्फ. जैनिज्म इज ऑल अबाउट बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन. ये एनलाइटनमेंट, मोक्ष या केवल ज्ञान, ये सब शब्दों को अगर हमें एकदम सिंपल तरीके से समझना चाहे तो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है. मतलब यू हैव टू ब्रिंग आउट योर हाईएस्ट पोटेंशियल. आपके भीतर छुपा हुआ पोटेंशियल आपको खोल देना है, रियलाइज करना है. सो इट्स अ पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. जैन धर्म मुक्ति का धर्म है, हर प्रकार की मुक्ति. The paramount of freedom that one can experience. Jain Dharma shows that path. Ki aap ek mukt atma ho, bandhanon mein bandh gaye ho, to in bandhanon ko aap kaise todkar bahar nikal sakte hain. Jain Dharma is bare mein hai. To hame samajhna hai ki bandhan kya hai. Kin bandhanon ko todna hai. Jab tak aapko bandhan hi pata nahi hai, aap todoge kaise? मुक्ति की बात तो हम करते हैं, लेकिन किस चीज से मुक्त होना है, किससे मुक्त होना है और किस प्रकार से मुक्त होना है. तो एक जीव को अनेक प्रकार के विकारों से बांधता है जो, वो 18 पापस्थानक बहुत क्लियरली हमें बताए गए, जिसके बारे में हमने कल बात छेड़ी थी. नव तत्व क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझे. मुझे फीडबैक्स मिले, किसी ने कहा हाँ आपने इतनी गहन बातों को इतनी सिंप्लिसिटी से हमारे सामने पेश किया कि हमें पूरी बात समझ में आई जो हम समझ नहीं पा रहे थे अब तक, कि ये क्या बातें हैं, उसको समझ नहीं पा रहे थे. लेकिन मुझे ऐसा भी रिव्यू मिला कि आपने थोड़ा हाई लेवल की बातें की, हम थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाए, थोड़ा बाउंसर गया. तो देखिए एक्चुअली ये शास्त्र, इसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं उतनी सिंप्लीफाई करके सिंपल तरीके से बताना आपको पसंद करती हूँ और वैसे बताने की कोशिश भी करती हूँ. फिर से थोड़ा और सिंपल तरीके से, कल मैंने 2-3 बातें ऐसी की थी जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है. एक मैंने कहा था कि नव तत्व है, अब इनके नाम में बदल नहीं सकती, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई करके बता सकती हूँ. जीव अजीव, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. जिसमें लाइफ फॉर्म्स हैं और लाइफ फॉर्म्स नहीं है, जिसमें सोल नहीं है, तो वो अजीव को हमने साइड पे रखा, दो तत्व. फिर जीव अजीव में से जीव को लिया. अब ये जीव करता क्या है, तो पूरी टाइम पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य करता रहता है. यानी बैड कर्मा गुड कर्मा, बैड कर्मा गुड कर्मा. कर्म 3 प्रकार से करते हैं, मन वचन काया से, राइट. तो 2 तत्व जीव अजीव, उसके बाद 2 तत्व पाप और पुण्य. पाप और पुण्य मिला लो तो कर्म है. अब कर्म का वो जो हम करते रहते हैं उसकी, उसको हम आश्रव कहते हैं. मतलब पल 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 मन से या वचन से या काया से जो हम कर्म का बंधन करते हैं उसे हम आश्रव कहते हैं. अब कर्म को भी अगर एकदम सिंपल शब्दों में आप समझना चाहे तो आपके भीतर चलते हुए विचार और भावनाएं, वो ही कर्म है. एक्चुअली कर्म की गांठें वहां बनती हैं. वचन भी मैनिफेस्टेशन है. आपके मन में कोई ऐसी नेगेटिव भावना आई तो आपके मुंह से नेगेटिव वचन निकला. पॉजिटिव भावना आई तो आपके मुंह से पॉजिटिव वचन निकला. नेगेटिव भावना आई तो आपने नेगेटिव कार्य किया. पॉजिटिव भावना आई तो आपने पॉजिटिव कार्य किया. तो जो वचन और काया के कर्म है वो भी मन की ही कर्म है, क्योंकि मूल गांठ बनती मन में है और मन में क्या चलता है, विचार और भावना. तो हमको ये 2 चीजों पे ध्यान देना है कि हम क्या विचार कर रहे हैं और क्या भावनाएं कर रहे हैं. आगे थोड़ी उससे और बातें करूंगी. तो कर्म कुछ नहीं, हमारे मन के विचार और भावनाएं. मन के अंदर हम विचार और भावनाओं का आश्रय करते रहते, अंदर लेते रहते. जब तक लेते रहेंगे तब तक हम भव संसार से निकल नहीं सकते, क्योंकि भव संसार का कारण ही कर्म है. निष्कर्म बन जाए, कर्म 0 हो जाए तो हम मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े. तो हमें निष्कर्म बनना है, लेकिन इस वक्त आश्रव 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 कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं. तो सबसे पहला कदम मुक्ति की तरफ है जो 5वां तत्व है, संवर.
स्टॉप, रुको, रोको उसे। जो पल 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 विचार और भावनाएं चल रही हैं, वो थोड़ा वहां पे स्टॉप करो, विचार और भावनाओं के स्रोत को कम करो। तो संवर जो बेस्ट प्रकार से की जाए, उत्तम, वहां मैंने और तीन शब्द यूज किए थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। धर्म तीन प्रकार से हो सकता है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। जघन्य प्रकार का धर्म सिर्फ शारीरिक तरीके से कुछ हमने क्रियाएं कर ली और सोचा कि मैंने धर्म कर लिया, फिर मन भी जोड़ा अगर तो मध्यम धर्म पे आए। और तीसरा जो उत्तम प्रकार का धर्म होगा, जो हम शरीर से भी ऊपर उठ जाए और मन से भी ऊपर उठ जाए, तो हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, वो उत्तम प्रकार का धर्म होगा। तो तीन प्रकार के धर्म बताएं, आगे छेड़ती रहूंगी इन बातों को। तो संवर, संवर इज द बिगिनिंग ऑफ मुक्ति। स्टॉप, स्टॉप द इनफ्लो ऑफ कर्मा, नाउ गुड और बैड, एनीथिंग, स्टॉप इट, तो वो संवर है। तो अब कितने हुए तत्व, जीव अजीव, पुण्य पाप और आश्रव संवर। अब अगर हमने संवर किया, मतलब आश्रव होना बंद हो गया और संवर किया, तो फिर दूसरा है उसके बाद वाला, सिक्स और सेवन और एट, निर्जरा और बंद। नौवा है मोक्ष, मोक्ष में पहुंचना है। जीव पहला है, मोक्ष लास्ट है। वन, नंबर वन जीव, नंबर नाइन मोक्ष, जीव की यात्रा और बीच में ये सारी बातें। तो हमने संवर किया, उसके बाद निर्जरा और बंद, यानी नया बांधना बंद कर दिया, नए कर्म बांधना बंद कर दिए, संवर कर दिया, लेकिन हमने पुराने बहुत बांधे हैं ना, अनेक जन्मों से, अब उनको हमें निर्जरित करना होगा ना, खत्म करना होगा। तो कैसे खत्म, जैसे ही नए कर्म बांधना बंद करते हैं, पुराने उत्पन्न होना शुरू होते हैं, ऊपर आना शुरू होते हैं। अब ऊपर आते हैं तो इनका रिजल्ट मिलता है हमको, ये जब रिजल्ट मिलता है तो हम दो बातें और करते हैं, या निर्जरा करते हैं या बंद। अब बंद याने सेम प्रकार के कर्म को मल्टीप्लाई 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 करते जाना, और निर्जरा याने उस कर्म का डिविजन करते जाना, उसको डिवाइड करते जाना, उसको बोलते हैं निर्जरा। और बंद याने गुणाकार करते जाना। अब इसको एग्जाम्पल से समझे कि हम गुणाकार या निर्जरा कैसे करते हैं। अब पुराने कोई कर्मों के कारण हमने सामना किया किसी रोग का, किसी एक्सीडेंट का, किसी झगड़े का, किसी गरीबी का, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम तो बीमारी आई, अब रिश्तों में प्रॉब्लम तो झगड़े हो गए, पैसे का प्रॉब्लम तो हमारे फाइनेंसेस में इश्यू आने लगे, या किसी सोशल स्टेटस पे हमारी निंदा होने लगी, या हमें धर्म का मार्ग ही नहीं मिल रहा, भटक रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग। अब इस कर्म का जब फल आया, तो हमने समता से अगर उसको सहन कर लिया, रोग आया शरीर में, डरे नहीं, टेंशन नहीं, रोग आया है कोई बात नहीं, मैं इससे निकल जाऊंगा, इससे मुक्त हो जाऊंगा, इलाज भले करे, आप दवाइयां ले, सब कुछ करे, लेकिन मन से अगर डरते रहे, टेंशन करते रहे, तो आपका रोग खत्म नहीं हो सकता, दवाई से दब जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर दब जाएगा फिर ऊपर आएगा, बार 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 रिलैप्स होती है वो बीमारियां। तो क्या किया हमने, कर्म एक था पुराना जिसके कारण हमको बीमारी आई, उसका गुणाकार कर लिया, बंद, अनुबंध 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 करते गए। और अगर हमने समता से उसको सहन कर लिया, स्थिर हो गए, समता से उसको हमने ले लिया, तो क्या होगा, तो निर्जरा होगी। यानी रामबाण इलाज क्या है, आपको समता में स्थिर होना है, सुख हो या दुख, न उछलना सुख में न दुख में गिरना,
सुखों का भी समता से सामना करना है। जब सुख आता है, बहुत वैभव, बहुत पैसा है, बहुत अमीरी है, तबीयत ठीक है और रिश्ते भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आगे एक आएगा पापस्थानक मान। मान में नहीं आ जाना है, राग में नहीं आ जाना है, ये पापस्थानक आगे आएंगे तब बात करेंगे। और अभिमान नहीं करना है, सुख में ना उछल पड़ना है, तो क्या होता है, इंसान स्वच्छंदी हो जाता है, दूसरे लोगों को इल्ट्रीट करने लगता है, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो सुख में उछल गया और दुख में एकदम नीचे गिर गया, डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेस्ड होने लगा क्योंकि दुख आया है, तो फिर हम उसी सेम प्रकार का कर्म का अनुबंध करते हैं। तो हमें समता में स्थिर होना है, इक्वानिमस, सुख है या दुख बहते जाना है, अपने जीवन को बहती धारा बना देना है। क्या करना है, हर चीज को देखते जाना है ऑब्जेक्टिवली। ये बहुत हायर लेवल की एक अवस्था है जिसे हमें अचीव करना है, नॉट वेरी इजी टू अचीव, लेकिन वो अचीव करने का रास्ता जो है वो हमने यहाँ शुरू किया है, क्योंकि संवर जो करना है, आश्रम कहाँ है, संवर कहाँ करना है, निर्जरा कहाँ से होगी, बंद कहाँ से होगा, ये सारा खेला जो है। अब ये चार तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, चार तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, आश्रम है और बंद है तो संसार बढ़ता जाएगा, संवर है और निर्जरा है तो मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, समझे। आश्रम यानी नए कर्म बांधते जा रहे हैं, पुराने को भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बंध में, ये दो तत्व हैं, बंध और आश्रम, ये संसार बढ़ाता है, और संवर और निर्जरा, ये दो तत्व हैं वो संसार घटाता है, हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन ये चारों होते कहाँ है, शरीर में, वचन में, ये चारों होते कहाँ है, शुरुआत इसकी मन में है, ये खेला मन में हो रहा है, संवर हमें मन में करना है, आश्रम बंद कहाँ करना है, मन में, संवर मन में, निर्जरा मन से, बंद भी मन से हो रहा है, तो हमें मन के रेल्म में जाना होगा। अब मन कहाँ है, मन कहाँ है, बहुत लोगों ने ये एग्जाम्पल मेरे मुंह से बार बार सुना होगा, आज फिर से सुनाती हूँ, कुछ नए लोग हैं तो, मन है कहाँ, हम पता ही नहीं है हमें, हम या तो इसे मन समझते हैं या इसे मन समझते हैं, तो ये तो मस्तिष्क है और ये हृदय है, हृदय को मन समझते हैं या मस्तिष्क को मन समझते हैं, ये ब्रेन है, ये हार्ट है, ये दोनों ही मन नहीं है, मन ये हमारा जो शरीर पूरा हार्डवेयर है, उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर है जो अदृश्य है, देख नहीं सकते हम उसे देख नहीं सकते, तो मन को हम कैसे साधे, एक्चुअली साधु किसे कहते हैं, कपड़े बदल लेना वो साधु बना है, हमने कपड़े बदल लिए तो हम साधु बन गए, कपड़े बदलना इस 3%, 97% जो अपने मन को साध लेता है, जो साध लेता है अपने मन को, वो साधु। तो आज हमारा जो दूसरा पापस्थानक है मूर्छावाद, बीजे मूर्छावाद, इसे हमें और तीन पापस्थानक के साथ जोड़ के समझना होगा, और तीन पापस्थानक 16, 17 और 18, 16 में परपरिवाद, 70 में माया मूर्छावाद, 18 में मिथ्यात्व शल्य। तो देखिए, चार पापस्थानक छू रही हूं आज, बीजे मूर्छावाद, पहले प्राणातिपात हमने कल कर लिया, बीजे मूर्छावाद, 16 में परपरिवाद, 70 में माया मूर्छावाद, 18 में मिथ्यात्व शल्य। अब बीजे मूर्छावाद का मतलब, अब हर चीज को हम चार प्रकार के से समझेंगे, अर्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, तत्वार्थ, फिर आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल तरीके से कह रही हूं, कुछ चीजों का मीनिंग यानी जस्ट एट पार मीनिंग,
लेकिन उनके अंदर जो भावों का मीनिंग होता है, भावार्थ, गूढ़ार्थ और तत्वार्थ, यानी उस चीज का वाइब्रेशन क्या है, वहां तक पहुंचना है हम तो बहुत डीपली समझनी है चीजों को। मूर्छावाद, ऊपर से समझे तो झूठ बोलना, यानी मैंने लिटरली किसी को कुछ झूठ बोला। लेकिन अगर भावार्थ गूढ़ार्थ में जाएंगे ना तो हम छुपा कर झूठ बोलते हैं। नरोवा कुंजरोवा महाभारत की एक स्टोरी है, जानते हैं? नरोवा कुंजरोवा, द्रोणाचार्य जी को न्यूज मिलते हैं अश्वत्थामा मर गया, तो वो एकदम द्रवित हो जाते हैं। उनका बेटा है ना अश्वत्थामा, तो अंदर से राग आता है, ऐसे महापुरुष को भी राग सताता है, तो राग आता है, मोह आता है, बेटे का मोह सताता है ऐसे महापुरुष को, तो मोह सता रहा है जो पांडवों के गुरु हैं, जो पांडव उसी जन्म में सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पांडवों के गुरु को भी मोह और राग सताता है। उनके बेटे का मृत्यु का जो न्यूज आया ऐसा लगता है उनको, तो वो डर जाते हैं अंदर से, वो लड़ नहीं पा रहे। लेकिन पता कैसे करें इतनी बड़ी रणभूमि में कि अश्वत्थामा मर गया। अब उनको वो जानते हैं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है और अश्वत्थामा नाम का अपना बेटा भी है। कौन मरा, कौन मरा? तो वो सोचते हैं युधिष्ठिर के पास जाता हूं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। तो उनको बोलते हैं, युधिष्ठिर को पूछते हैं कि नरोवा कुंजरोवा, यानी अश्वत्थामा नाम का नर यानी पुरुष मर गया या कुंजरोवा यानी हाथी मर गए, कौन मरा? उनको पता है युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी है वो। तो उसे पूछता है, लेकिन माया मूर्छावाद, 70 में माया मूर्छावाद का शिकार युधिष्ठिर भी बनता है, कृष्ण की प्रेरणा से बनता है या कैसे भी बनता है, लेकिन बनता है। तो वो जब पूछते हैं कौन मर गया, तो युधिष्ठिर बोलता है नरोवा कुंजरोवा, मुझे पता नहीं नर या हाथी, दो में से कोई भी हो सकता है, दो में से कोई भी हो सकता है, आधा अधूरा जोर। लेकिन इसे क्या कहा जैनिज्म में, जैन शास्त्र में इसको एक पापस्थानक बताया गया, माया मूर्छावाद, यानी सिर्फ झूठ नहीं, माया से कपट से झूठ बोला गया। जो झूठ जो सत्य भासे, झूठ जो सत्य जैसा भासे, हिपोक्रेसी, माया मूर्छावाद। और द्रोण इस ट्रैप में आ जाते हैं और एकदम से परेशान हो जाते हैं, और ऐसे द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है, क्योंकि वो लड़ ही नहीं पाते। ये ट्रैप हो जाते हैं दो पापस्थानक में, मोह और राग में। उसकी बात हम कल करेंगे या परसों करेंगे, पता नहीं कब उसका उल्लेख होगा, लेकिन आज जिसका उल्लेख हो रहा है वो बात समझे, मूर्छावाद माया मूर्छावाद, ये 70वां पापस्थानक बताया गया। अब हम जीवन जीते जीते वैसे तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन माया मूर्छावाद कितनी बार करते हैं, माया मूर्छावाद कितनी बार करते हैं? सिंपल से एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ से समझे। कोई गुस्से से पूछता है, रोज तुम गीजर ऑन रखते हो, आज बंद किया कि नहीं? तो डर से बोल दिया हाँ बंद कर दो, तब बंद नहीं किया था, बाद में चुपके से जाके बंद कर देते, तुरंत बंद कर देते एक मिनट के अंदर, लेकिन हाँ बंद कर दिया। आज दाल में आपको 5 बजे पानी डालना था, डाल दिया कि नहीं? हाँ डाल दिया, डाला 7 बजे, लेकिन माया मूर्छावाद। ये बहुत हानिकारक है आत्माओं के लिए, हमें पता ही नहीं चलता, मूर्छावाद का पता फिर भी चल जाता है। माया मूर्छावाद बहुत बड़ी माया खेलता है, माया जाल में फंसाता है। युधिष्ठिर जैसे महापुरुष भी इसके शिकार बन गए, तो आप और मैं कहां है, हम हमारी आत्मा का स्तर कहां है पता नहीं है, कैसे ट्रैप हो जाते हो पता ही नहीं है।
तो ये जो है ना, माया से झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों का झूठ बोलना, और बहुत बड़ा झूठ के साथ 18वां पाप स्थानक मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व, देखिए झूठ और सच है ना, ये जो दोनों चीजें है ना, पार पोल अपार्ट्स हैं, ये उल्टे खड़े हो जाएंगे। झूठ है ना आपका संसार बढ़ा देगा, सत्य आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। इतना फर्क है ये दोनों में, सत्य में और झूठ में। झूठ आपका संसार बढ़ाएगा, सत्य आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व जो बोलते हैं, जो सच्चाई का दर्शन करते हैं, तो ज्ञान के साथ दर्शन को जोड़ा। दर्शन यानी एक बात को अनेक तरीके से समझना, अनेक एंगल से समझना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। महावीर का अनेकांतवाद कहता है कि एक चीज को देखने के अनेक सत्य दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन हम जब जड़ बन जाते हैं, भीतर से जड़ बन जाते हैं, मैं बोलूं वो ही सत्य, और हमारे साथ महावीर को भी घसीट लेते हैं। मेरा महावीर बोले वही सत्य, बुद्ध क्या सत्य बोलते थे, अरे कृष्ण की क्या बात करें, वो क्या सत्य से बहुत दूर है, राम को क्या सत्य पता है, मेरा महावीर जो कहता है वो ही सत्य। महावीर को भी घसीट लिया अंदर। ये जड़पना जो है ना, वो मिथ्यात्व है ना, कि जैन धर्म के अलावा कोई और धर्म को आपने सुना, जाना, समझने की कोशिश की या उस मंदिर में प्रवेश कर लिया तो आप मिथ्यात्वी हो गए। ये ऊपर ऊपर का सत्य है, गहराई का सत्य ये है कि महावीर ने कहा एक ही चीज को देखने की अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, आप जड़ ना बन जाएं। मैं बोलूं वो ही सत्य, सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सत्य हो सकता है, सामने वाले भी किसी चीज को किसी और तरीके से देख सकते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूं कि अगर आपके हाथ में अंगूठी है और हीरा है, अभी नहीं है लेकिन आप विजुअलाइज करें, यहां अंगूठी है, यहां जो बैठे लोग इनको पूछे इस अंगूठी में हीरा है तो बोलेंगे हाँ है, क्योंकि हीरा दिखता है। और लेकिन इस तरफ जो बैठे हैं इनको पूछे क्या इस अंगूठी में हीरा है तो कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको प्लेन सोने की साइड दिख रही, उसमें हीरा नहीं दिख रहा है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, बोले कौन सच और कौन झूठ? जब तक ये हाथ ऐसे ना हो, ना ये समझ पाएंगे कि ये भी सच बोल रहे थे, ना ये समझ पाएंगे कि ये भी सच बोल रहे थे। सत्य दोनों तरफ है, आधा आधा छुपा हुआ, आधा अधूरा। ऐसे ही संसार में जीते जीते हम आधे अधूरे सत्य के साथ जीते हैं और वहां जड़ बन जाते हैं और मिथ्यात्वी बन जाते हैं। एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल महावीर स्वामी भगवान के शास्त्र में उन्होंने जो बताया, एक हाथी का एग्जाम्पल दिया कि छह अंधे लोग हाथी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसको सूंड को पकड़ के, कोई इसकी टेल को पकड़ के, कोई उनके पैरों को पकड़ के, कोई उनके कानों को पकड़ के, और उसके लिए वो अधूरा सत्य वही हाथी। जिसने पैर पकड़ा है हाथी उसके लिए पिलर जैसा है, जिसने सूंड पकड़ी है उसके लिए हार जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी है उसके लिए धागे जैसा है, और पूरी जिंदगी झगड़ा इसी पे चलता है, जन्म के अंधे सारे, ज्ञान के अज्ञानता के अंधकार में सारे, पूरे हाथी को समझ ही नहीं पाए ये संसार कैसा है। जब अगर छेओ के छेओ अनेकांतवादी बन जाए, महावीर के कहे रास्ते पर चले और अनेकांतवादी बन जाए कि सबके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करे, तो शायद उनको पूरा हाथी समझ में आ जाए। तो महावीर स्वामी भगवान ने ये कहा कि संसार की हर चीज को समझने के लिए अनेक दृष्टियां हैं, अनेक दृष्टि से समझे। जो अनेक दृष्टि से देखता है ना वो सम्यक दर्शी है, और जो सम्यक दर्शी है ना उसी को सच्चा ज्ञान हो सकता है। सच्चा ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता। तो मिथ्यात्व का जघन्य जघन्य
नीचे वाला अर्थ है कि तुमने किसी देवी देवता को मान लिया, किसी और को मान लिया, कहीं और शास्त्र पे तुमने अपना श्रद्धा कर ली, ये मिथ्यात्व। ये नीचे लेवल की बात है। हायर लेवल की बात अगर समझे तो मिथ्यात्व वो है कि आपने एक चीज को सिर्फ एक दृष्टि से देखा और जड़पने में अटक गया। जहां जड़ हुए वहां चैतन्य छूटा, जहां चैतन्य छूटा वहां जीवन ही नहीं है। तो आप चैतन्य रूप है ही नहीं, आप जीव है ही नहीं, क्योंकि जीव चैतन्य रूप है, अजीव जो है ना जड़। तो आप तो नव तत्व में भी नहीं आ रहे हैं, आपको साइड में निकाल दिया गया कि भाई तुम रखड़ते रहो संसार जड़ पने में, तुम्हारी बात नहीं है ये नव तत्व समझने, तुम्हारी इट्स नॉट योर पीस ऑफ केक, हटो साइड में। ये तो जो चैतन्य स्वरूप है, जो चेतना में राजता है, उसको समझने के लिए ऐसी बात आती है। जैनिज्म में कैसा वास्ट है, कितना ब्रॉड है सोचिए, और यही जैन धर्म मानने वाले लोग इतने नैरो कैसे हो जाते, समझ ही नहीं आता, नैरो दृष्टि में गिर जाते। और एक और स्थानक पापस्थानक समझने की बात है। 18 पापस्थानक में मूर्छावाद के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, वो है 16वां परपरिवाद। यानी परपरिवाद का मोटा मोटा अर्थ है दूसरों की बातें बनाना। डीपर अर्थ में जाएंगे, थोड़ा भावार्थ गूढ़ार्थ में जाएंगे तो दूसरों की निंदा करना। लेकिन अगर उसके तत्वार्थ में जाएंगे तो दूसरों को हमेशा गलत साबित करना, मैं सच वो गलत। ये परपरिवाद, दूसरों की निंदा करते रहना, चुगली करते रहना, दूसरों के बारे में बिचिंग करते रहना, फोन पे आराम से बातें करते हुए दूसरों की निंदा करते रहना, ये ऐसा है वो वैसा है, और अपने आप को अच्छा सच्चा साबित करना, दूसरों को गलत साबित करना, ये है परपरिवाद। तो माया मूर्छावाद के साथ, मूर्छावाद के साथ परपरिवाद, माया मूर्छावाद और मिथ्यात्व शल्य, ये चार प्रकार के पापस्थानकों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो करने की, समझने की कोशिश थोड़ी बहुत की है इस वक्त। मैं क्यों फिर से कह रही हूं समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से कल 24 घंटे, कल फिर से जब तक हम मिले 24 घंटों में बार बार आपको मन के अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन कंटेम्पलेशन करना है कि मैं कहां झूठ बोलता और मैं कहां माया मूर्छावाद करता हूं, यानी अपने फायदे के लिए छुपा हुआ झूठ बोलता हूं, जो सत्य भासित हो लेकिन है झूठ, सत्य है लेकिन अधूरा सत्य है या झूठा सत्य है, हिपोक्रेसी है। मैं कहां लोगों की चुगली करता हूं और बार बार निंदा करता हूं, और कहां मैं मिथ्यात्व में उलझ जाता हूं, मैं कहां एकांत दृष्टि हो जाता हूं, कहां मैं अनेकांतवाद को नहीं समझ पाता, कहां मैं जड़ बन जाता हूं, कहां मैं बहना बंद कर देता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ देता हूं, आई बिकम टू रिजिड, आई स्टॉप बीइंग फ्लेक्सिबल। ये सारी प्रकार से कहां कहां मैं अतिक्रमण कर रहा हूं, वहां वहां मुझे प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण में सिर्फ 18 पापस्थानक को बोल जाना, अभी इस वक्त जिस प्रकार का प्रतिक्रमण प्रचलित है हम उसी प्रकार का प्रतिक्रमण करेंगे, राइट? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप वैसा प्रतिक्रमण करें। बहुत पावरफुल है हमारे सारे सूत्र। ये जो सूत्र की जिसने गूंथा है ना वर्ड्स में सूत्रों को, बहुत बहुत पावरफुल है। दे आर वेरी वेरी पावरफुल क्लियरिंग स्टेटमेंट। क्लियरिंग स्टेटमेंट यानी हम जो पूरी चीज को समझकर, देखिए जैसे एक दूध को हम ऐसे हिला हिला कर, मलाई को ऐसे
बहुत सारा घर्षण करके मक्खन निकलता है ना, फिर उसको उठाकर हम साइड में रखते हैं। ऐसे हम इस वक्त हमारे मन को ऐसे घर्षण करते हुए मन के अंदर जो हमने पाप छुपा कर रखे वो ऊपर ला रहे। बहुत आसान हो जाता है ना उनको उठाकर बाहर फेंक देना। तो ये सारे प्रतिक्रमण के सारे सूत्र है ना, वो इस घर्षण का काम करते हैं और पाप को उभार लाते हैं ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? हम वो उभरा हुआ पाप है ना, उसको हम उठाकर बाहर फेंकने की जगह वो वाला स्टेप भूल जाते हैं, उठाकर बाहर फेंकने का। और हम है ना फिर से वैसे ही प्रतिक्रमण पाल लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर वही के वही। तो फिर वो अंदर सेटल हो जाता, फिर से अंडर सेटल हो जाता। तो मैं यहाँ जो आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ वो ऐसे प्रकार का प्रतिक्रमण है कि हम घुमा घुमा कर ऊपर लाएंगे याद कर करके, और फिर उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। So we release it with love. I release it with love. I let go. तो जब जब हम प्रतिक्रमण में पड़िकमे देसियम सर्वम तन निंदे तन चगरियामी या मन वचन कायाय करी मिच्छामि तुकड़म बोलते हैं ना, तब जुड़ो मन से। मन भटक रहा है, शरीर क्रिया कर रहा है, तो वो पाप जो उभर कर बाहर आया था ना वो वापस वही अंदर चला जाए। वो कर्म जो ऊपर आए थे जिससे आप छूट जाते थे, आपकी निर्जना हो जाने वाली थी, वो फिर से अंदर सेटल हो जाए। तो कितना नुकसान कर रहे हैं हम, एकदम द्वार तक आकर फिर हमारा नुकसान, फिर चूक जाते हैं, द्वार तक आकर चूक जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अज्ञानता है। हमको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। जो अगर आप मन ना जोड़ो तो आपका प्रतिक्रमण सिर्फ 3% हुआ है, मन जोड़ दो तो वही प्रतिक्रमण 97% जुड़ गया तो 100% प्रतिक्रमण हो गया। तो पूरी तरह से मन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब आपको जो ये बात मैं ये बता रही हूं ये इतनी सिंपल भी नहीं है मैं जानती, क्योंकि हमारा मन इतना आदि अनादि काल से भटकने की उसको आदत है, वो पल पल भटक जाता है, पल 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 छूट जाता है हाथ से। एक मिनट में आज साइंस कह रहा है, महावीर स्वामी भगवान ने क्या गिनती क्या बताई वो तो बाद में करेंगे। साइंस कहता है एक मिनट में आप और मेरे जैसे लोग 35 से ज्यादा विचारों में खो जाते हैं और उनमें फिर भावनाएं जोड़ने लगते हैं तो विकार करने लगते हैं और गांठे बांधने लगते हैं कर्म की। शायद इसीलिए महावीर स्वामी भगवान ने कहा समयम गोयम मापमायम, हे गौतम एक भी क्षण का प्रमाद मत कर। समयम याने पता है हम जो आंख ऐसे पलकारा करते हैं ना एक क्षण, उसमें अनेक समय गुजर जाते हैं। बोलते हैं उतना भी प्रमाद मत कर, उतना भी मत खो किसी विचारों में। तो ये हिसाब तो साइंस कब लगाएगा पता नहीं है, लेकिन आज की बात करें तो वो कहता है एक मिनट में 35 से ज्यादा विचार उसमें हम खो जाते हैं। तो शरीर कर रहा है प्रतिक्रमण और मन कर रहा है अतिक्रमण। शरीर कर रहा है प्रतिक्रमण, मन कर रहा है अतिक्रमण। अब अतिक्रमण ज्यादा हुआ या प्रतिक्रमण? तो देखिए हम किसको धोखा दे रहे हैं, Whom are we deceiving? Whom are we deceiving? Can you really afford to get deceived this way? In this, such a precious lifetime? तो जागृति तो आनी ही पड़ेगी। पल पल की जागृति, क्षण क्षण की जागृति, और उसको अचीव करने के लिए थोड़ी मेहनत, हमें रोज रात को इंट्रोस्पेक्शन कंटेम्पलेशन करना चाहिए कि आज मैंने कहाँ कहाँ अतिक्रमण किया, वहां वहां वापस लौटू प्रतिक्रमण कर। तो चलिए हम एक अलग प्रकार का प्रतिक्रमण, मतलब अलग प्रकार की क्रिया करते हैं जिसमें सजगता के साथ आप ऊपर उभार लाएं और उसको उठाकर बाहर फेंक दें। सारे इन कर्मों को उभार कर बाहर लाएं और उठाकर बाहर फेंक दें, राइट? तो आज हम
गहराई में उतरते हुए टैपिंग करेंगे। बीच में मैं आपको अलग अलग क्रियाएं करने को बोल सकती हूँ। हम ध्यान साधना में उतरते हैं। ध्यान साधना में इसलिए उतरना है क्योंकि ये सारा संवर, आश्रव संवर, निजरा बंद, ये चार का खेल चल रहा है मन में। तो आंखें बंद करके मन के द्वार पर जाएंगे, मन के भीतर उतरेंगे, तो हम इन पापों को खींच खींच कर बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो अब आप ध्यान प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। इस ध्यान प्रयोग में आज हम चार पाप स्थानकों को छुएंगे, मूर्छावाद, परपरिवाद, माया मूर्छावाद, मिथ्यात्व शल्य। आंखें बंद करें। अब आप संकल्प करें कि अगले 20 मिनट के लिए आप बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। थाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसिरामी करके बैठ जाएंगे। आपको ये संकल्प करना है कि अगले 20 मिनट 25 मिनट तक आप पूरी तरह से स्थिरता से, धीरता से, गंभीरता से शरीर को मौन करेंगे, यानी शरीर बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। मन को मौन, वचन को मौन करेंगे, यानी एक भी शब्द बोलेंगे नहीं, और मन को कंप्लीटली मौन करेंगे। कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले। शांत शांत शांत। शरीर शांत, वचन शांत, और मन भी शांत। मन की इस शांत अवस्था में पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर ले। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। आपको हर पल जब आप सांस छोड़ते हो तो पता होना चाहिए कि सांस छूटा। जब आप सांस भरते हो तो पता होना चाहिए कि सांस भरा। हर पल की जागृति, क्षण क्षण की जागृति, पूर्ण जागृत अवस्था। और इस जागृत अवस्था में अब आप अपने शरीर का कायोत्सर्ग करने के लिए तैयार। ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसिरामि। इस अवस्था में अब आपका ध्यान अपने दोनों अंगूठे, पैरों के अंगूठे की ओर, दोनों पैर के अंगूठे छोड़े, अंगुलियां छोड़ी, मन से छोड़ते जाएं। जब आप मन से शरीर के हर एक हिस्से को छोड़ते जाएंगे तो आपकी सारी प्राण शक्ति आपके नाभि केंद्र पर स्थापित हो जाएगी। ये प्राण शक्ति आपको भीतर की साधना करने में मदद करेगी, निर्विचार होने में मदद करेगी। दोनों पैर के अंगूठे छोड़े, अंगुलियां छोड़े, मेरे साथ चले। दोनों पैरों के तलवे, टखने छोड़े। पूरा ध्यान जो अंग कह रही हूं वहां ले जाए। जब मैं कहूं छोड़े, वहां से ध्यान ऊपर की ओर ले जाए। छोड़ दे उस शरीर के हिस्से को। अब पूरा ध्यान पिंडलियों की ओर, काफ मसल्स छोड़े, नी कैप, नी जॉइंट, घुटने छोड़े, जांघे, थाई मसल्स छोड़े,
गोपतंग छोड़े आपका ध्यान कमर और पीठ पर, कमर और पीठ का भाव छोड़ते जाए। धीरे धीरे अपने मन को कमर से गले के जॉइंट तक धीरे धीरे ऊपर लाते हुए सारी पीठ का भाग छोड़ते जाएं। आगे पेट, छाती छोड़ दे, कंधे छोड़ दे, दोनों हाथ छोड़ दे, हथेलियां, हथेली के अंगूठे, अंगुलियां छोड़ दे। सारा शरीर शिथिल होने लगा है, पूरी तरह से रिलैक्स होने लगा है। आप छोड़ते जा रहे हैं अपने शरीर को, गला छोड़े, सिर और चेहरे का हर अवयव छोड़ते जाएं। पांचों सेंसेस को छोड़ दे, पांचों इंद्रियों को छोड़ दे। आंख छोड़े, नाक छोड़े, मुंह छोड़े, जिह्वा छोड़े, कान छोड़े, सारे शरीर की त्वचा छोड़े, सारे शरीर को पिघल जाने दे। काया का उत्सर्ग हो चुका है, पांच तत्व जिससे आपका शरीर बना है, इन पंचभूतों को भी छोड़ते जाए। ना आप आकाश तत्व है, ना धरती तत्व, ना अग्नि तत्व है, ना जल तत्व, ना वायु तत्व। डिसइंटीग्रेट कर दे पूरे शरीर को। भीतर जो आपकी चेतना है, उस चेतना स्वरूप में स्थिर हो जाए। भीतर की आंखें खोले, क्योंकि आंतरिक दृष्टि जब खुलती है तो स्वदोष दिखने लगते हैं, स्वयं के सारे दोष दिखने लगते हैं, पर दोष से आप ऊपर उठ जाते हैं, दूसरों के दोष दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आंखें भीतर की ओर मुड़ गई। जब आप भीतर देखने लगते हैं तो खुद के दोष दिखने लगते हैं। देखे कहां कहां आप झूठ बोलते हो, खुला झूठ बोलते हो, बड़ा झूठ बोलते हो, या छोटा छोटा झूठ बोलते हो। अगर आप सचमुच ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अपने दरवाजे खोलना चाहते हैं, सम्यक चारित्र को चलना चाहते हैं, तो आपको झूठ बोलना बंद करना होगा। जो झूठ बोलता है उसे ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। वो जन्मों जन्म भटकता रहता है, उसको ज्ञान नहीं चढ़ता, वो एक सूत्र ठीक से याद नहीं कर सकता, परीक्षाओं में पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। आईना देखे, स्वदोष देखे, हिम्मत करे, अपने झूठ को देखने की हिम्मत करे। पल पल छोटी छोटी बातों में सहूलियत हो जाए इसलिए झूठ बोल देते हैं। वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो माया मूर्छावाद करते हैं, कपट से झूठ बोलते हैं, वो और गहराइयों में नीचे की ओर गिरने लगते हैं, उसकी आत्मा का और पतन होता है। जो दूसरों की निंदा चुगली करने में झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहां झूठ बोलना बहुत आसान है। जब भी आप किसी की निंदा करना चाहते हैं तो उसकी छोटी सी गुनाह को हम बड़ा बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, बहुत बड़ा झूठ, उसका छोटा सा दोष उसे बड़ा बनाकर हम लोगों के सामने पेश करते हैं जब भी हम परिवाद करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं। उसने थोड़ा कुछ आपके साथ गलत किया, आप उसको बहुत बड़ा बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं,
ताकि आप अच्छे और वो बुरे साबित हो जाए। जब आपके अंदर नीड क्रिएट होती है किसी को बुरा साबित करने की, तब आप बहुत बड़ा मायावी झूठ बोलते हैं। आप अपने आत्मा का बहुत बड़ा पतन कर रहे हैं, आप मिथ्यात्व में आ जाते हैं, मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। जो सम्यक्त्व से बहुत कोसों दूर ले जाता है, आपका संसार अनेक गुना बढ़ जाता है। रियलाइज करें और प्रायश्चित करना भीतर से चूज करें कि आज से ये इतना झूठ मैं जो बोलता हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। एक इन प्रकार इन किसी भी तरह से मैं झूठ बोलता हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और आज से संकल्प करता हूं कि हमेशा सत्य और सत्य की राह पर चलूंगा, सत्य ही बोलने की कोशिश करता रहूंगा। हे परमात्मा, मेरे सारे गुनाह माफ करे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू गॉड फॉर ब्रिंगिंग दिस इनटू माय अवेयरनेस। मुझे ये लेसन सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है परमात्मा। आई लव यू, मैं आपसे और हर एक इंसान से बेशुमार बिन शर्ती निर्मल प्यार करती हूं। मैं अपने झूठ की पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूं। आज से संकल्प करती हूं कि मैं हमेशा सच का सहारा लूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। जैसे जैसे मैं ये सेंटेंस बोलती जाती हूँ, अपने भीतर से ये सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाले। I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I am so sorry, please forgive me, I thank you, I love you, I am so sorry, please forgive me, I thank you, I love you। घटनाएं याद करें जब जब आपने झूठ बोला है, माफी मांगे उस इंसान से, माफी मांगे उस इंसान से जिससे आपने झूठ कहा, माफी मांगे उस इंसान से जिसके बारे में आपने झूठ कहा। क्षमा मांगते जाए। I am sorry, please forgive me, I trust you, I thank you, I am so sorry, please forgive me। मन वचन कायाय करी मिच्छामि दुक्कड़म, मन वचन कायाय करी मिच्छामि दुक्कड़म, मन वचन कायाय करी मिच्छामि दुक्कड़म। आपके दोनों हाथ अपने चेस्ट पर रखें, लंबी गहरी सांस नाक से भरे, मुंह से हवा को बाहर छोड़ते हुए ऐसा महसूस करें कि आज तक का सारा जो झूठ, उसकी जो एनर्जी थी, वो आपके शरीर से, आपके ऑरा से, आपके मन से, आपकी आत्मा से बाहर निकल रहा है। परिकमे देसियम संवम तन्निंदे तंचगर्यामी, परिकमे देसियम संवम तन्निंदे तंचगर्यामी। आपने अपने सारे झूठ को याद किया है, अब उसको आप बोसिरा रहे हैं, निकाल रहे हैं। निंदामी गरियामी अपाणम बोसिरामी, निंदामी गरियामी अपाणम बोसिरामी, निंदामी गरियामी अपाणम बोसिरामी। आप निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं।
अपनी आत्मा को आप निर्मल बना रहे हैं। क्षमा करे माफ करे, क्षमा करे माफ करे, माफी मांगते जा रहे हैं। मन वचन कायाय करी मिच्छामि दुक्कड़म, मन वचन कायाय करी मिच्छामि दुक्कड़म। प्रभु तमारा पगली पगली पापा पगली मांडी छे, प्रभु तमारा पगली पगली पापा पगली मांडी छे। हे महावीर, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके पैरों के निशानों पर मैंने अपने नन्हे नन्हे पैर रखना शुरू किया है। आपने बताए मोक्ष मार्ग पर मैंने चलना शुरू किया है। अब आप अपनी हथेलियां नीचे रख दें, रिलैक्स हो जाएं और इस भावना को भीतर बहाएं। हवे तो अक्षर पाड़ो हरिवर, मारी कोरी पाटी छे। मैंने अपने मन को साफ किया है, अपने आप को क्लीन स्लेट की तरह आपके सामने रखा है। हे परमात्मा, अब तो आपके आशीर्वाद बरसा दो, अब तो सच्ची राह दिखा दो, अब तो उंगली पकड़ कर चलाओ। बालक छूं मने खबर क्या, सूझे साचू जीवन, पड़ी जाऊं ना क्या ही प्रभु, करो रोम रोम संजीवन। चिंतन कर जो मारा कण कण मा, मारी सुखी माटी छे। हे परमात्मा, एक छोटा बच्चा हूं, मुझे क्या पता कि सच्चा जीवन क्या है। ध्यान रखना प्रभु मेरा कि मैं कहीं गिर न जाऊं, मेरी अंगुली पकड़ लेना, मेरे पूरे हृदय में जहां मट्टी सूखी पड़ी है वहां अपने प्यार बरसा कर मुझे गीला कर देना, ताकि वहां पुण्य के पेड़ में उगा पाऊं, पुण्य के बीज डाल पाऊं, सच्चाई के रास्ते पर चल पाऊं। आपने बताए मोक्ष मार्ग पर चल पाऊं। इस मंगल भावना के साथ जो आपका मन इतना शांत हुआ है, तो जगत के सारे जीवों को मंगल की भावना भेजे। दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में ले, परमात्मा से प्रार्थना करे कि जैसा मंगलमय जीवन मुझे प्राप्त हुआ, मंगलकारी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जगत के जीव मात्र को मिल जाए। सब जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको धर्म का सच्चा रास्ता मिल जाए, सारे दुखियारे सुखी हो जाए, सबको शांति मिले, शांता मिले।
रोगी निरोगी बन जाए, दुखी सुखी बन जाए, भूखे को खाना मिल जाए, नंगों को कपड़े मिल जाए, अधर्मी को धर्म प्राप्त हो, शक्तिशाली को ज्ञान प्राप्त हो, ताकि ये धरती स्वर्ग बन जाए। इस मंगलमय कामना के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख ले, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले, दोबारा गले शोल्डर्स और हाथ पर ले, दोबारा ऐसा करते हुए शरीर के रोम रोम से इस एनर्जी को बह जाने दे। अपने हृदय को प्यार की भावना से भरे और आंखें खोले। Thank you. I thank each one of you for giving me this opportunity to share this beautiful knowledge with you. मैं भी रास्ता चल रही हूँ, कहीं पहुंची नहीं हूँ, रास्ते में ही हूँ, अपनी कोशिश करती जा रही हूँ कि दिन प्रतिदिन थोड़ा सा मन निर्मल हो जाए, थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए। जब आपको बताती हूँ तो मुझे अपने गुनाह दिखाई देने लगते हैं, तो मुझे और मौका मिलता है कि मैं और क्लेंस हो जाऊं, और इसीलिए ये धर्म सभाएं कर रही हूँ, अपने स्वार्थ से कर रही हूँ, ताकि मेरा मुझे अपने गुनाह दिखे और मैं ऊपर उठने लगूं। एंड आई थैंक यू सो मच कि आप इसमें मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबको धर्म का सच्चा रास्ता मिल जाए, आप सब अपने बेस्ट वर्जन बन जाए, आपके भीतर की सारी पोटेंशियल बाहर निकल जाए। इन दुआओं के साथ आज की सभा में विराम देती हूँ। कल फिर मिलते हैं 9:00 सेम टाइम सेम लिंक। थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।